फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रोल्स किचन। आज हम बनाएंगे वेज चाउमीन। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें चाहिए नूडल्स, बारीक कटे हुए अदरक, बारीक कटे हुए लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, नमक स्वादानुसार, लंबाई में कटी हुई गाजर, लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च, स्प्रिंग ओनियन का ग्रीन पार्ट बारीक कटा हुआ, वाइट पार्ट लंबाई में कटा हुआ, वाइट विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च, पत्ता गोभी और कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम नूडल्स को उबाल लेंगे। इसे खौलते हुए पानी में, जब पानी उबलने लगे उसमें इसे डाल देना है। डालने के बाद में इसे हल्का देखेंगे, प्रेस करके थोड़ा दबने लगे तब इसे हम निकाल लेंगे। और छन्नी में निकालने के बाद तुरंत ठंडे पानी से इसे अच्छे से धो लेना है और फिर थोड़ा सा तेल लेकर के इसे मिक्स कर देंगे, जिससे कि ये नूडल्स आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। मैंने एक लोहे की कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। तेल को एकदम अच्छे से गरम कर लेंगे और तेज आंच में ही हम नूडल्स को पकाएंगे। तेल गरम होने के बाद में हम लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। ये हल्का भुन जाएगा, इसमें प्याज डालेंगे, गाजर डालेंगे और इसे पकाएंगे। जैसे ही हल्का कुक होगी इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, पत्ता गोभी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें सब्जियों को एक फॉर्क की मदद से जैसे टॉस कर लेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, क्रंची रहनी चाहिए। अब इसमें हम नूडल्स ऐड कर देंगे। अब इसमें विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और स्प्रिंग ओनियन करके इसे अच्छे से टॉस कर लेंगे। तो हमने अच्छे से टॉस कर लिया है, कलर भी चेंज हो गया है। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। इसे अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी, और इसे टॉस करके अगर बनाएंगे तो और अच्छी बनेगी और हाई फ्लेम में। और इसे सर्व करते हैं। वेज चाउमीन बनकर के तैयार है। इसे अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल है उसे ज़रूर आप टच कीजिएगा, तभी आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलेंगे। थैंक यू।